तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे पैसे वापस करने हैं। बाबूजी मैं तो तुम्हारे सारे पैसे दे चुका मूल ब्याज समेत। ये तुम्हें एग्रीमेंट करने से पहले सोचना था, उसके हिसाब से तुम्हें अभी भी पूरे 10 लाख रुपए देने हैं। और अगर 10 लाख रुपए 3 दिन के अंदर अंदर नहीं पहुंचाए तो ये सारी जमीन और खेत भूल जाना और दोबारा अपनी सूरत लेकर मत आना। इधर फिर 10 लाख कहाँ से लाऊं? मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ बाबूजी, क्या करूं अब? तो 3 दिन के अंदर अंदर या तो 10 लाख रुपए लेकर आ जाइयो वरना इस जमीन को भूल जाइयो। गरीब का भी कोई नहीं होता, गरीब को सब मारने वाले होते हैं, ऊपर वाला गरीब कर रहे हैं टाइम पास यहीं पर ही। और सब बड़े हाँ। और भाई सुनो, कैसे परेशान भाई? परेशानी हो, मैंने सेठ से वो ले लिया था कर्जा जमीन पे, तो मैंने मूल ब्याज सब दे दिया उनका। अब कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, नहीं तो सारी जमीन पर कब्जा मैं करूंगा। तो सेठ का कुछ करना पड़ेगा शायद ना, क्या करें सेठ का? अभी तुम बेफिक्र रहो इजहार, मैं इसका कुछ इलाज निकालता हूँ। इस सेठ को अच्छा सबक सिखाना है, इलाज से निकालना चाहिए। जी बिल्कुल निकलेगा, बहुत लोगों को लूटा। देख लो बाबूजी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम देखते हैं इसका हल निकालते हैं। इसका इसके ही पैसों से जो है ना इसको सबक सिखाएंगे, आपका सारा मूल कर्ज सब माफ हो करेगा वो। मैं आपका एहसान नहीं भूलना कहूँ बाबू जी, बिल्कुल भी। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ फिर, तुम मुझे बता दीजो। ठीक है, कैसा करे हम बताता हूँ, बताता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, दुबई से शेख आया है और जमीन लेना चाहता है। अच्छा। 4 गुना कीमत देना चाहता उसकी। बहुत बढ़िया इंतजार, और सब पसंद आ गई तो बढ़िया हो जाएगा एकदम। एक काम करो, उस शेख को बुलाओ और कहो कि हमारे पास बहुत जमीन है। ठीक है, और हम उस शेख को ये जमीन बेचेगा। मैं तुम्हारी मुलाकात आज ही करवाता हूँ शेख से। जाओ। हमारे पास बहुत अच्छी जमीन होती, तुम देखती सोना ही सोना। चलिए सेठ जी आइए, आइए सेठ जी, हम आपको जमीन दिखाते, बहुत ही बढ़िया होती जमीन, क्या सोना ही सोना। ये देखती शेख साहब, ये सारी जमीन हमारी होती, ये बिल्कुल सोना ही सोना। मल्ला, ये हमें पसंद आती है, कितने की? बहुत ही सस्ती, सिर्फ 1 करोड़ की होती, हम इसका 4 गुना देते। तो बल हबीबी बहू को मंजूर होती, वल्ला मंजूर है, मंजूर है। वैसे सेठ जी आप इस जमीन पे क्या करती? हम यहाँ मियाँ खलीफा लाती और नीचे का फ्लोर तुम्हें फ्री देती। सेठ जी मियाँ खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा लाती। ओह बुर्ज खलीफा, कोई नहीं, दोनों चलेगी, कुछ भी दी। असिस्टेंट, तुम इनको 4 करोड़ देती और ये सारी जमीन हमारे नाम करवाती। सेठ जी हम नोटों की जगह सोने का सिक्का ले आई। अरे ये क्या गलती करती तुम, हर बार ही ये करती। सेठ जी हम अभी के अभी दुबई जाती और आपके 4 करोड़ लेकर आती। ठीक, हमारा प्लान पिंचर हुआ पड़ा है। ओ। आप हमें 10 लाख रुपए देती, वापस आने पर कल सुबह तक आपको 40 लाख देती। 40 लाख 10 का जी। असिस्टेंट इतने ये हमारे सोने के बिस्कुट आप अपने पास रखिए, ये पूरे 2 करोड़ के होती। ठीक है सेठ जी, हम आपको अभी के अभी पूरे 10 लाख देती। बिल्कुल। अरे यार ये शेख साहब का फोन भी नहीं लगता है और 3 दिन से उनका पता भी नहीं है, मेरे 10 लाख रुपए ले गए। अरे खैर सेठ, उनके 2 करोड़ के सोना तो मेरे पास है, एक बार देख तो लूं कैसा लगता है। अरे ये क्या, ओह इस शेख ने तो मेरा चूतिया बना दिया, मेरे 10 लाख रुपए
हाय मैं क्या करूं, लूट गया, बर्बाद हो गया। लो जी सेठ, ये 10 लाख रुपए और इनकी जमीन इन्हें वापसी कर दो और कागज दे दो इनके जमीन के। पूरे 10 लाख है? पूरे 10 लाख है, गिन लो। ये लो जमीन। लेकिन तुम पे 10 लाख रुपए 3 दिन के अंदर आएगा इस कैसे? सेठ जी है, तुमने किसान को चूतिया खेचा, ऐसे तुम्हारे शेख ने चूतिया खेचा। क्या मतलब? वो नकली था? वो नकली था। और ये पैसे मेरे हैं? पैसे तुम्हारे हैं, हमेशा याद रखना, किसी गरीब को मत सताना। ठीक है, मैं समझ गया, अब किसी के साथ ऐसा नहीं।